दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आजकल हरियाणा में चुनावी बयार तेजी से बह रही है। विधानसभा चुनावों के चलते सभी नेता अपनी अपनी गोटियां फिट करने में लग गए हैं। आने वाले दो ढाई महीने में हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनावों के तहत ही हर नेता जो चुनाव लड़ना चाहता है अपनी अपनी गोटियां फिट करने में जुट गया है। दोस्तों, ऐसी ही एक शख्सियत जो हरियाणा की राजनीति के बड़े हस्ताक्षर रहे हैं, न केवल हरियाणा बल्कि उत्तर प्रदेश में भी जाकर उन्होंने सांसद और एमएलए के चुनाव लड़े हैं, तो वो शख्सियत है अवतार सिंह भड़ाना। आज हम उनकी राजनीति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उनसे जो हमारी टेलीफोनिक बात हुई और उसके बातचीत का जो सार रहा है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, अवतार भड़ाना यूँ तो फरीदाबाद में पैदा हुए, यहीं से राजनीति शुरू की और 3 बार फरीदाबाद से सांसद बने, 4थी बार उत्तर प्रदेश जाकर मेरठ से सांसद बने और कांग्रेस छोड़कर जब वो भाजपा में गए तो मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से भाजपा के टिकट पर लड़कर भी वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश विधानसभा में जीतकर पहुंच गए। तो उन्होंने क्यों कांग्रेस छोड़ी, क्यों भाजपा में गए और फिर भाजपा से उनका मोह कैसे भंग हुआ, तो पहले दौर में हम यही चर्चा करने वाले हैं। तो अवतार सिंह भड़ाना कहते हैं कि कई कारणों के चलते मुझे चाहे अनचाहे कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी और उसके लिए मुझे स्वयं अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया था, मुझे बहुत दोनों ने बहुत सम्मान दिया था, गले लगाया था और उन्होंने दावा किया था कि हम अवतार भड़ाना आपको उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश की राजनीति में पिछड़ों के नेता के रूप में स्थापित करेंगे। तो मैं अमित शाह जी और मोदी जी के कहने में आकर मैंने भाजपा ज्वाइन की और उत्तर प्रदेश से जाकर चुनाव लड़ा और जीत भी गया। तो जब हमने उनसे सवाल किया कि आप जीत गए, सत्ताधारी दल है भाजपा, तो फिर आपने क्यों भाजपा छोड़ी, भाजपा से आपका मोह भंग क्यों हुआ और आप अब फिर कांग्रेस में क्यों लौट आए। तो इन सवालों के जवाब में अवतार भड़ाना कहते हैं कि मुझे जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव लड़ाया गया, मीरापुर से मैं विधायक भी बना, तो मुझे आश्वासन मिला था कि आप उत्तर प्रदेश और देश में जो पिछड़ों के नेता के रूप में मुझे स्थापित करने का जो भरोसा दिलाया गया था और कैबिनेट में मंत्री बनाने का भरोसा दिलाया था, और मेरी मांग तो डिप्टी सीएम की थी उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल में, लेकिन अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी तो सब कुछ चाहते थे, मेरे प्रति उनका प्यार था, सम्मान था, मुझे वो आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन न जाने क्यों
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी मेरे खिलाफ रहे, उन्होंने मेरी राजनीति में आंगे लगाए, मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया और ना ही मुझे कैबिनेट में लिया, ना ही डिप्टी सीएम बनाया। इन सब कारणों के चलते मेरा भाजपा से, उत्तर प्रदेश की राजनीति से मोह भंग होने लगा था और इसी के चलते मैं बीच में ही मीरापुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। तो ये तो उनकी कहानी ये रही कि अवतार भड़ाना ने क्यों भाजपा छोड़ी, क्यों भाजपा से उनका मोह भंग हुआ। अब वो अपनी मूल पार्टी में यानी कांग्रेस में लौट आए हैं और वो अब दावा कर रहे हैं कि मैं कभी भी जिंदगी में अपनी मूल पार्टी कांग्रेस को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भाई राजीव गांधी सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी ने जीवन पर्यंत मुझे बहुत सम्मान दिया, जो मैंने मांगा वो मुझे मिला, जहां से मैंने चुनाव लड़ना चाहा मुझे वहां से टिकट दिया। और वो कहते हैं कि भाजपा में जाना मुझे मुफीद नहीं रहा, वहां की कल्चर, भाजपा की कल्चर मुझे पसंद नहीं आई और अब मैं पुनः मैंने घर वापसी कर ली है। लोकसभा, पिछले लोकसभा चुनावों में भी मैंने फरीदाबाद से चुनाव लड़ रहे महेंद्र प्रताप जी को सहयोग किया, उनकी मदद की और अब मैंने तय किया है कि मैं केवल और केवल हरियाणा की ही राजनीति करूंगा, यही मेरी मूल पार्टी है, इसी ने मुझे सब कुछ दिया। जो मुझसे गलतियां हुई मैं उन्हें भूल जाना चाहता हूं, भाजपा में जाना मेरी बड़ी भूल थी, मुझे नहीं जाना चाहिए था, जिस गांधी परिवार ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया था उसको मैंने खोने का काम किया, लेकिन अब उन्होंने मेरी गलतियां माफ कर दी हैं, मुझे नए सिरे से गले लगाया है और हरियाणा की राजनीति करने का उन्होंने ऑफर किया है, इसलिए अब मैं केवल और केवल हरियाणा की राजनीति करूंगा और हरियाणा में ही चुनाव लड़ूंगा, अब कभी भी प्रदेश से बाहर जाकर चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो दोस्तों ये था मुद्दा कि कांग्रेस के वरिष्ठ दिग्गज नेता रहे अवतार सिंह भड़ाना का आखिर भाजपा से क्यों मोह भंग हुआ और अब वो अपनी पार्टी में कांग्रेस में लौट आए हैं और उन्होंने फैसला किया है अब वो केवल हरियाणा की ही राजनीति करेंगे और हरियाणा से ही चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मुद्दा, एक शख्सियत जो बड़ी शख्सियत हैं अवतार सिंह भड़ाना, उनके बारे में कि उनकी राजनीति अब किधर जा रही है और जिधर जा रही है वो उन्होंने बता दिया है। तो देखते हैं आने वाले चुनावों में और जो भविष्य की राजनीति है उसमें वो क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।